कोविड में, और मैं डेंगू हुआ, और इतना मेहनत करने के बाद ये हाथ साल ऐसे मेरे से क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं बहुत पेन मतलब बहुत बैड फीलिंग किया कि इंडिया के लिए मैं कुछ खाली हाथ आना पड़ा। आपका मैं जरूर कुछ हाँ मतलब कम से कम मैं मेडल के लिए लेके मेडल लेके आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मेरा किस्मत में क्या लिखा हुआ है। और बहुत दुखी हुआ। और रिंग में भी मैं सच बताऊंगी तो रिंग में भी मैं ही जीता हूं करके मैं तो मेरा कभी दिमाग में नहीं आया। मैं ही हाथ उठा के मैं ही जीता हूं करके मैं ही दिमाग में यही थाना और कभी हारा नहीं हूं करके मेरे दिमाग में ऐसे बैठा। और रिंग की उतरने के बाद भी मेरे दिमाग में वैसे ही 10 मिनट तक मैं नॉर्मल मतलब नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। मैं कभी हारा हूं करके दिमाग में कभी नहीं आया। और जब एक चीज अचानक जब आपको लगा जब क्योंकि जो रेफरी होता है वो हाथ उठाता है कि जो जीतता है उसका हाथ उठाता है और वहां पे अनाउंस होता है ब्लू कॉर्नर या रेड कॉर्नर जो भी मैं वो सुना नहीं सुना मुझे कुछ वो नहीं मेरा दिमाग में कुछ नहीं समझ रहा है मतलब कि मैं ही जीता हूँ कि मैं ही तो मैं भी रिंग के ऊपर मैं हार्ड रेस कर लिया। तो बाद में क्या मेरा को समझ आया कि मेरा कोच मेरा पीछा कर रहा था और कोई डोपिंग टेस्ट के लिए मेरे को लेके गया और डोपिंग रूम में बिठाया और मेरा कोच बोल रहा है कि आप जीता हुआ है आप कुछ दुख मत हो बाउट जीता हुआ है आप दुखी नहीं होना है। मेरे को मोटिवेट कर रहा है मेरे को ये कोच आप क्या बोल रहे हैं आप क्या मुझे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं मैं जीता हूँ ना क्यों क्या हारा हूँ करके ऐसे मैं भी रिंग कर रही हूँ। रियलाइज कभी नहीं हुआ कि मैं हारा हूँ करके आपको लगा हाँ, आप जीत गए हो बाबू हाँ जीत गई हूँ करके मैं हाथ उठाया मैं हाँ शायद वो रेड कॉर्नर इस रेफरी ने इधर तरफ दिया है लेकिन मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया देखा भी नहीं हूँ मैं जीता जीत रही हूँ करके मैं ऐसे रहा। और बाद में जो डोपिंग रूम में लेके जाने के बाद फिर बार बार बोला मैं समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है करके और मैं आर्गू भी कर रही क्यों ऐसे बोल रहा है मेरे को ऐसे क्यों ऐसे कर रहा है करके। बाद में नोटिफिकेशन आया मेरे फोन में जो रिजल सर ने ट्वीट किया था तब पढ़ने के बाद मैं रियलाइज हुआ मैं हराया है करके कैसे हराया है मुझे खुद समझ नहीं आया खुद कंट्रोल नहीं कर पाया। तब तो फिर मैं आंसू आंसू निकलना शुरू किया लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। ऑलरेडी वो लोग ये मैच से पहले सब कुछ रूल बना दिया है कि प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता और बाउट रिव्यू भी नहीं कर सकता ये सब कुछ उन लोग ने ऑलरेडी रूल्स बना दिया तो हम कुछ नहीं कर पाया। मेरी क्या लगा अब आपने कहा कि मुझे कोचेस लोग कुछ नहीं कर पाया जो पंच आपने लैंड किए जो जब आप फाइट लड़ रहे स्टार्ट हुआ फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पंच खिलाड़ी को खुद पता होता है कि उसने कितने पंच मारे और जो अच्छी जगह डायरेक्शन पंच लैंड हुए कैसे हुआ। हाँ इवन मैं पता है और मैं दुनिया पता होगा जो बॉक्सिंग नहीं खेला है जिंदगी में देखा भी नहीं है वो भी फिर भी पता चलेगा कि किसका
अपन लैंडिंग प्रॉपर है और कनेक्ट है. और इवन मेरा बेटा लोग बहुत, वो लोग भी बहुत हर्ट हुआ है. मैं वापस गेम विलेज वापस आया और मैंने फोन करने वीडियो कॉल किया और उसके बाद माँ आप कैसे हराया है, आपने इतना पंच अच्छा अच्छा मारा है और उसका तो कुछ भी नहीं लग रहा है, क्लियर पंच भी, और आप कैसे हरा सकता है करके ऐसे यू नो वो लोग का क्या ओपिनियन, उन लोगों का भी ओपिनियन का बताया है. अरे आप लोग भी ऐसे आप लोग भी ऐसे जज कर रहे हैं क्या, आप लोग तो बॉक्सिंग कुछ भी पता भी नहीं है, कैसे आप जज कर सकता है करके कर रहा है करके. हाँ मैं भी ऐसे सोचा था बेटा, लेकिन पता नहीं कैसे मैं हार गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे हर्ट होने ही होना है, मामा वापिस कम बैक कर लूंगी और फिर अच्छा करूंगी करके उन लोगों को.